वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ओरिजिन IVF। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टेस्ट जिसे कहते हैं HSG और हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी। इस टेस्ट को लेके पेशेंट्स बहुत परेशान होते हैं, बहुत उनके मन में प्रश्न होते हैं। मैंने सोचा आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं उन संदेहों को दूर करने की कोशिश करूंगी। उससे पहले अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं ना इस नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके। चार जगह पे सिचुएटेड हैं अभी हम लोग दिल्ली में, आप किसी भी सेंटर पे आप चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं। आते हैं वीडियो के टॉपिक पे जिसका नाम है HSG या हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी। क्या होता है, क्यों करते हैं, किन पेशेंट्स में करना चाहिए, क्या इसमें पेन होता है, कहाँ से कराएं और अगर उस टेस्ट की रिपोर्ट गड़बड़ निकले तो आगे क्या करना है, इन सभी प्रश्नों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले HSG टेस्ट होता क्या है? तो HSG हमारी फेलोपियन ट्यूब्स को चेक करने का एक टेस्ट है। इट इज एन एक्सरे, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स को चेक करने के मेनली दो ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। एक होता है HSG जो कि एक्सरे है और दूसरा होता है पेट में दूरबीन डाल के देखना जिसे है कहते हैं लैप्रोस्कोपी, जो कि एक सर्जरी होती है। तो ऑब्वियसली सर्जरी के कंपैरिजन में हम एक एक्सरे को करवाना थोड़ा सा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ये कैसे किया जाता है। तो ये एक बहुत साधारण तरीके से किया जाने वाला टेस्ट है। ये किसी भी एक जैसे गायनी एग्जामिनेशन होता है वैसे ही करना होता है, जैसे आपने कभी अगर जिंदगी में पैप स्मियर कराया हो तो वैसे होता है, जिसमें कि आप किसी अच्छे एक्सरे सेंटर में जाओगे जहाँ एक डिजिटल एक्सरे अवेलेबल है, वहाँ पे टेबल पे आपको लिटाया जाएगा। एक गायनेकोलॉजिस्ट को भी इसके लिए बुलाया जाता है क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट ही इस टेस्ट को कर पाती हैं। गायनेकोलॉजिस्ट आपको लिथोटॉमी पोजीशन में नीचे से आपके बच्चेदानी के मुंह को देखने की कोशिश करते हैं और बच्चेदानी के मुंह में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा के, जो कि कभी कभी प्लास्टिक की नली होता है और कभी कभी मेटल का कैन्यूला भी होता है, उसको स्क्रू की तरह फिक्स कर दिया जाता है बच्चेदानी के मुंह पे और नीचे से कंट्रास्ट डाई डाली जाती है। ये वो कंट्रास्ट होता है जो कि एक्सरे डिटेक्ट कर सकता है। तो नीचे से बच्चेदानी में दवाई डाली जाती है और ऊपर से एक्सरे खींच लिया जाता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब बच्चेदानी में वो दवाई जा रही है तो ट्यूब्स अगर खुली हुई हैं तो ट्यूब के थ्रू भी वो दवाई बाहर निकलेगी और ट्यूब के थ्रू वो बाहर निकल के पेट में फैलेगी। तो एक्सरे उस कंट्रास्ट को फोटो खींच सकता है कि वो दवाई बच्चेदानी के रास्ते ट्यूब से बाहर निकली या नहीं निकली। तो ये साधारण प्रोसीजर होता है, करने में इसमें मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगती है। सबसे बड़ा प्रश्न जो पेशेंट्स को बहुत परेशान करता है और बहुत इसलिए वो होल्ड बैक करते हैं, कितनी बार हम लोग पेशेंट देखते हैं 6-6 महीने तक वो टेस्ट ही नहीं करा रहे, क्योंकि उनको डर है दर्द का और वो हमसे पूछते हैं कि क्या ये पेनफुल है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ ये थोड़ा सा डिसकम्फर्टिंग है, इसमें 2 ही मिनट का दर्द है लेकिन है, जिसमें थोड़े से क्रैम्प्स जैसी फीलिंग पेशेंट्स को होती है और हर पेशेंट का पेन परसेप्शन बहुत फर्क होता है। तो बहुत से पेशेंट तो हमें आके कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, आराम से हो गया, 1 सेकंड की बात थी ये तो, ठीक है। और बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ये हमें कहते हैं नहीं हमें तो बहुत दर्द हुआ, इससे अच्छा इससे गंदा तो कोई टेस्ट ही नहीं होता। तो देखिए इसमें सिर्फ 1-2 मिनट का पेन है, क्रैम्प है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आपको पहले से कोई पेन की बहुत प्रॉब्लम नहीं रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए नहीं हो, वेजिनस पस आपको नहीं है, एंडोमेट्रोसिस या इस तरह का कुछ पेल्विस पेन की आपको प्रॉब्लम्स नहीं रही हैं, या आपको कोई बहुत मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जैसी प्रॉब्लम्स नहीं रही हैं, तो ये टेस्ट आप बिना एनेस्थीसिया के बहुत आराम से करवा सकते हो। कभी कभी हम पेशेंट्स को 1 घंटा पहले खाने के लिए एक पेन किलर भी दे दी जाती है, जैसे मेफ्टाल्सपास या डाइक्लोपिनेक की कोई टैबलेट, जिससे थोड़ा सा उनको पेन थोड़ा बेटर हो जाता है। कभी कभी जब वो एक्सरे कराने जाते हैं, HSG कराने जाते हैं, तो सेंटर पे भी उनको एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो रिलैक्स हो सके, उनका पेन थोड़ा सा कम हो सके। बट मैं आपको ये कहूँगी कि इसमें घबराइए नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सिर्फ पेन की वजह से इसको होल्ड बैक मत कीजिए, ऐसा ना हो कि आपका ट्रीटमेंट डिले हो जाए इस वजह से। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा पेन परसेप्शन है, जैसे वेजिनस पस के पेशेंट होते हैं जिनमें हम नॉर्मल चेकअप भी नहीं कर पाते या जिनका अपने हस्बैंड से संबंध ही नहीं हो पा रहा क्योंकि वो इतने डरे हुए रहते हैं, वजाइना इतना टाइट कर लेते हैं, या कुछ पेशेंट जैसे एंडोमेट्रियोसिस के हैं जिनको बहुत पेन की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट्स में ये टेस्ट अंडर एनेस्थीसिया भी किया जा सकता है, अंडर जनरल एनेस्थीसिया।
तो आप जिस भी सेंटर में कराएं वहाँ आप पूछ सकते हैं कि भाई ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन से डरे हुए हो तो आप 2 मिनट का 5 मिनट का एनेस्थीशिया होता है उसके अंडर भी आप ये टेस्ट करा सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि टेस्ट करते कैसे हैं। सिंपल प्रोसीजर है, बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, आराम से करा लीजिए, दर्द से इतना मत डरिए, थोड़ा सा अगर दर्द है भी तो बहुत थोड़ा सा है और टेम्परेरी है और उसी समय का है, ठीक है। देखिए अब आता है प्रश्न कि ये टेस्ट कहाँ से कराया जाए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि ये टेस्ट आप कहाँ से कराओ। आप टेस्ट हमेशा किसी बहुत अच्छी जगह से कराओ जहाँ पे कि डिजिटल एक्सरे हो, जिनके एक्सरे की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ऐसे सेंटर्स यूजली वो होते हैं जहाँ सेंटर में ऑलरेडी, डायग्नोस्टिक सेंटर में ऑलरेडी सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। बिकॉज हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर सीटी स्कैन और एमआरआई किसी लैब में है तो ऑफकोर्स उन्होंने एक्सरे की जो क्वालिटी रखी होगी वो भी बहुत अच्छी रखी होगी, क्योंकि ये टेस्ट बार बार नहीं किया जा सकता। अगर आपने किसी ऐसे ही छोटे मोटे सेंटर से करा लिया जहाँ एक्सरे की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो नेचुरली ये टेस्ट बार बार नहीं हो सकता और फिर बड़ा कष्ट वाली बात हो जाती है, ना तो दोबारा करते बनता है ना ही उस टेस्ट का ढंग से इंटरप्रिटेशन हो पाता है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आप इस टेस्ट को कहाँ कराना चाहोगे। अब प्रश्न आता है कि ये टेस्ट किन को करवाना है, तो ये आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। अगर आपको देखिए ये टेस्ट सबसे आखिर में कराया जाता है बिकॉज ये इन्वेसिव टेस्ट है, थोड़ा सा पेनफुल टेस्ट है। तो यूजली अगर सपोज मेरे पास केवल 6 महीने की इनफर्टिलिटी करके कोई पेशेंट आए हैं और बाकी चीज़ें अगर हम, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक आधा महीना हम ऐसे ही पेशेंट को प्रेग्नेंट करने की कोशिश करें। जैसे अंडा बना दिया, बोला ट्राई कर लो, हस्बैंड की रिपोर्टें नॉर्मल हैं, तो 1-2 महीने ट्राई कर लिया जाता है। कभी कभी एक आधा IUI भी बिना HSG टेस्ट के किया जा सकता है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि नलियां खुली होंगी। सपोज किसी के हस्बैंड के स्पर्म काउंट 0 और हम डोनर स्पर्म से IUI कर रहे हैं और हमें पता है कि वो लेडी तो बिल्कुल हेल्दी है, तो सिर्फ एकेडमिक पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्यूब्स नहीं चेक करनी चाहिए। 1 या 2 चांस तो हम उनको ये अज्यूम करके दे सकते हैं कि शायद नलियां खुली होंगी। पर यस, अगर 1-2 बार में प्रेगनेंसी नहीं होती है तो HSG करना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि अगर HSG में कुछ कमियां निकल आई हैं तब आप क्या करेंगे। तो HSG बहुत रिलायबल टेस्ट नहीं है। HSG ने अगर ट्यूब ब्लॉक कह दी कि भाई आपकी नलियां दोनों बंद हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है 100% कि वो रिपोर्ट एकदम सही है। ऐसे केसेस में फिर कन्फर्मेटरी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपके डॉक्टर आपको लेप्रोस्कोपी की सजेशन देंगे कि पेट में दूरबीन डाल के कन्फर्म किया जाता है कि क्या जो HSG हमें ट्यूब ब्लॉक बता रहा है वो सही में बता रहा है या गलत है। तो आपके डॉक्टर बहुत बार आपको HSG के बाद लेप्रोस्कोपी की सलाह दे सकते हैं, ठीक है। HSG से हमें यूट्रस की भी बहुत सी कमियों का पता चल जाता है। कई बार यूट्रस में जन्म से कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे 2 यूट्रस होना, जैसे हम बाइकॉर्नवेट यूट्रस कहते हैं, या यूट्रस के अंदर की दीवार एक होना जिसे हम सेप्टम कहते हैं, या एक ही तरफ की यूट्रस होना जैसे हम यूनिकॉर्नवेट कहते हैं, या यूट्रस के अंदर कुछ कुछ चीज़ें आती हैं जैसे फाइब्रॉइड है जो अंदर की तरफ आ रहा है, या पॉलिप है जो बच्चेदानी की कैविटी के अंदर पड़ा हुआ है। तो क्योंकि HSG के समय हम बच्चेदानी में भी दवाई डाल रहे हैं तो बच्चेदानी का भी एक्सरे आता है, तो बहुत बार HSG से हमें बच्चेदानी की अंदर की कमियों का भी पता चलता है, ठीक है। हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर पॉलिप है या चिपकी हुई है, एडिशंस हैं, या कभी कभी इन्फेक्शन के साइन भी उसमें दिखते हैं, उसकी इरेगुलर सी लाइनिंग दिखती है, तो हमें समझ आता है कि इस पेशेंट को TB या इस पेशेंट को कुछ और इन्फेक्शन हो सकता है। सो इन द एंड मैं आपको कहूँगी कि HSG एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इनफर्टिलिटी की डायग्नोसिस में, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में। इस टेस्ट से मत घबराइए, पेन से मत घबराइए, ठीक है। पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ही पेन होता है और एक ही बार कराना है, करा लीजिए निश्चिंत होके। और किसी अच्छी जगह से कराइए, किसी साधारण जगह से मत कराइए, ऐसी जगह से कराइए जहाँ अच्छी क्वालिटी का डिजिटल एक्सरे अवेलेबल हो। आई होप ये आपके HSG को रिलेटेड बहुत सारे भ्रम को दूर करने में हेल्प करेगा वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी वुड ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। वी ऑलवेज हैव अ लाइव सेशन ऑन ट्यूजडेज 12 to 1 PM every Tuesday, and we try to take up lot of patients' questions during our live sessions.